Hi, this is Bhavan Irani and please keep watching INN 24. Hi everybody, आप सब लोगों के लिए let's sing some lines. मेरा गाना अफगान जलेबी कुछ lines आपके लिए गाता हूँ. अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भाई वाह भाई वाह. Okay, be happy and keep watching this channel INN 24. नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है. आपके साथ मैं हूं पहली चौहान. अररिया शहर के चांदनी चौक पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. चांदनी चौक पर अवैध फुटकर दुकान, टेम्पू, रिक्शा, ई रिक्शा के कारण जाम लगा रहता है, जिसके कारण पैदल चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए अररिया जिला पदाधिकारी वैद्यनाथ यादव के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता दीनानाथ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया. इस दौरान सड़क पर अवैध रूप से लगे हुए अतिक्रमण को हटाया गया एवं फुटकर दुकानदारों को सड़क छोड़कर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया. ग्रामीण अंचलों में होने वाले ठगी को रोकने व ग्रामीणों को अपराध के बारे में अवगत कराने के लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पुलिस जनमित्र योजना की शुरुआत की है. साथ ही इस योजना के माध्यम से ग्राम रक्षा समिति का भी गठन किया जा रहा है. इस योजना के तहत ऑनलाइन ठगी, एटीएम फ्रॉड, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है. इसी योजना अंतर्गत एसटीओपी यूलेंडन यार्क द्वारा ग्राम कोड़ेनार में कोड़ेनार सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीणों के बीच बैठक रखी गई थी, जिसमें ग्रामीणों से जन सहयोग की बात भी कही गई. वहीं संदिग्ध व्यक्ति घूमने वालों पर नजर रखने की भी बात कही गई. इन संदिग्ध लोगों में फेरीवाला, डेरा वाले एवं किराएदार आदि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की बात भी कही गई. एसडीओपी यूलेंडन यॉर्क ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र होने के कारण युवा वर्ग को मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए युवा वर्ग और ग्रामीण अंचलों के कुछ बिंदुओं के बीच आपसी समंजस और तालमेल बनाना था. साथ ही हर गांव में ग्राम रक्षा समिति का गठन करने पर भी ग्रामीणों से विशेष तौर पर चर्चा की गई. आज ग्राम पंचायत कोड़ेनार और उसके आसपास के ग्राम पंचायत के युवा वर्ग और पुलिस के बीच में एक बैठक आयोजित की गई थी ग्राम रक्षा समिति और जनमित्र के अंतर्गत. इसका मुख्य उद्देश्य जो है युवा वर्ग और ग्राम के बीच विभिन्न मुद्दों और पहलुओं को उनको अवगत कराना था, जिसमें बैंक फ्रॉड, चिट फंड घोटाला और एटीएम और अन्य इस प्रकार के जो मामले हैं, वित्तीय मामले और अन्य मामलों से अवगत कराना. साथ ही चूंकि यह नक्सल संवेदनशील क्षेत्र है, तो युवा वर्ग को मुख्यधारा में बनाए रखना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, उनको सुनना और उसको आगे तक पहुंचाना, इन सभी मुद्दों पर एक पहल की गई है और आगे यह कार्यक्रम जो है लगातार संचालित होता रहेगा. पटरिया नगर पंचायत में गांधी चौक से पुराना बस स्टैंड तक सीसी रोड निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार करने का मामला प्रकाश में आया है. वहीं आज पिछले 10 माह से नगर के सभी विकास कार्य इंजीनियर के ना होने के कारण भारी परेशानियों का सामना नगर के आम लोगों को करनी पड़ रही है. नगर के गांधी चौक मुख्य मार्ग से होते हुए पुराना बस स्टैंड तक सीसी रोड और डामरीकरण निर्माण कार्य आज 10 माह से बाधित है. पंडरिया नगर पंचायत के द्वारा पिछले सत्र में नगर के मुख्य मार्ग गांधी चौक से होते हुए पुराना बस स्टैंड तक सीसी रोड और डामरीकरण निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो आज पिछले 10 माह से लगभग नगर पंचायत में इंजीनियर के ना होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं नगर पंचायत के द्वारा सीसी रोड के ऊपर डामरीकरण निर्माण कार्य 1,53,36,000 रुपए से होना था, जिसमें सीसी रोड की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि नगर के आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं वार्ड के लोगों का आरोप है कि सीसी रोड निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार की गई है, जिसे नगर पंचायत पिछले 10 माह से बंद करके रखी हुई है. इस विषय को लेकर वार्डवासियों के द्वारा लगभग 4 से 5 बार नगर पंचायत के अधिकारी से शिकायत होने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगा और ना ही कोई संबंधित ठेकेदार पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी नहीं हो सकी. वार्डवासियों ने बताया कि इस मामले को पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी को भी जानकारी दी गई, परंतु कोई भी जांच नहीं की गई और ना ही कोई कार्रवाई हो सकी है. इससे साफ जाहिर है कि
सीसी रोड निर्माण कार्य में जमकर अनियमितता बरती गई है। जब इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता केसरी नंदन तिवारी ने नगर पंचायत के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को इस विषय की जानकारी दी है और इस बात की सूचना जिला कलेक्टर को भी दी जा चुकी है। नगर में आज पिछले 10 माह से इंजीनियर के ना होने के कारण ही विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इंजीनियर के आने के बाद ही विकास कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। पंडरिया के आम जन को इससे बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पंडरिया का सघन आबादी गांधी चौक से लेकर के कुशाल बंद समरूपारा के बीच में है और सड़क का हालत बहुत ही जर्जर है। सामने बरसात है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। घटना दुर्घटना को देखते हुए शासन प्रशासन का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि अविलंब इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित ठेकेदार से काम को पूर्ण कराया जाए और अब तक जो काम ठेकेदार के द्वारा किया गया है ये भी गुणवत्ताहीन है। ऐसे कार्यों का निरीक्षण करके तत्काल उस पर सुधार करने की भी आवश्यकता है। दिक्कत तो बहुत है यहाँ के नागरिकों को आने जाने में। पंडरिया के एक बस्ती के एक मात्र एक ही रोड है जिसमें लोगों को ये बताया गया है कि ये डामरीकरण होगा, दोनों साइड नली बनेगा करके, लेकिन आज पर्यंत तक ये सामने बगल में दुर्गा भवन है, इसके पहले रोड बन रहा था। मैं यहाँ पे इन ठेकेदार को बोला भी कि यहाँ पे जो है मेन रास्ता है, इसको जल्दी करवा देना करके, लेकिन आज पर्यंत 9 महीना हो गया, ठेकेदार के द्वारा काम नहीं किया गया। ठेकेदार से मैं संपर्क किया हूँ, वो बोला कि मेरा बिल मिल नहीं रहा है, मैं 1 महीने में बनाने के लिए तैयार हूँ। और ये भी मालूम हुआ है कि दोनों तरफ नाली बनना था, नाली की सुविधा भी नहीं है इसमें, और ये जो दोनों तरफ जो रोड बनाया है सिटी रोड, इसके ऊपर डामरीकरण करने का है, वो 9 महीने से बंद है, जिससे पूरे आम जनता को आने जाने 9 माह से बंद है। किन कारणों से बंद किया गया? नाली का और पुलिया का काम हो चुका है जी, बचा है उसमें सिटी रोड और बिटी रोड का, अभी निगाह में नीले रूप से इंजीनियर पदस्थ नहीं है, अपने यहाँ पे 3-4 इंजीनियर यहाँ पे पदस्थ है, नीतीश कुमार भवन तो वर्तमान में मूल रूप से पदस्थापना उनकी नगर पंचायत पड़ रही है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि पदस्थ होने के बाद यहाँ आने के बाद निर्माण का प्रारंभ किया जाए ताकि उसकी गुणवत्ता बनी। तो कब तक हो जाएगा सर चालू, क्या है? इस बात में जब तक तकनीकी अधिकारी नहीं रहे तब तक के निर्माण कार्य को कराने से गुणवत्ता में प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से जी। और ऐसा मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कोई स्थिति पैदा हो, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। मैं यानी इंजीनियर का प्रॉब्लम उसके चलते बंद है कि और कोई प्रॉब्लम है? इंजीनियर ही है और गुणवत्ता विहीन काम है लोगों का कहना है सर काम में। इससे उसमें यहाँ पर भी शिकायत मिली है, उसे जांच के लिए अपन क्या कार्रवाई भी कर रहे हैं, इसमें भी शिकायत आ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम और उनमें कमी लाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं से विशेष रूप से संबंधित ऑपरेशन संवेदना चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य के सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को ऑपरेशन संवेदना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही हर जिले में गुम हुई महिलाओं की बरामदगी एवं तलाश करने हेतु विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन संवेदना के माध्यम से गुम हुई महिलाओं को तलाश करने में बस्तर जिला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जनवरी से मई तक कुल 81 महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट अलग अलग थानों में दर्ज की गई थी, जिसमें से 61 महिलाओं को तलाश कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब तक लगभग 75% मामलों में सफलता हासिल की है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए जगदलपुर CSP हेमसागर सिदार ने बताया कि बस्तर जिले के कोतवाली, बोधघाट, परपा और नगरनार सहित कई थानों में दर्ज हुए प्रकरणों में गुम हुई महिलाओं को ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से भी बरामद किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा जिले में गुम हुई महिलाओं के संबंध में जिला अपराध शाखा के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग रखी जा रही है। साथ ही इस अभियान का सफल संचालन करने के लिए अनुभाग के अधिकारियों के साथ साथ साइबर सेल, थाना प्रभारी और DCB प्रभारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
पुलिस मुख्यालय और विशेषकर डीजीपी सर के विशेष प्रयास से जो है सभी जिलों में ऑपरेशन संवेदना चलाया गया है। इस ऑपरेशन संवेदना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध को रोकना और उसमें कमी लाना है, और विशेष करके जो है महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी को बरामदगी में तब्दील करना है। इस हेतु जो है जिले के जो एडिशनल एसपी हैं यहाँ, उनको ऑपरेशन संवेदना का नोडल अधिकारी बनाया गया है, और इसके अंतर्गत जो है जिले में जनवरी से लेके मई के स्थिति में 81 महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई गई थी, जिनमें 75% मामलों में कुल 61 महिलाओं और बच्चों को जो है इसमें दस्तयाब कर जो है उनके परिवार वालों से मिलाया गया है। और इस योजना के तहत जो है आसपास के जो ज़िले हैं और इसके अतिरिक्त आसपास के जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो है महिलाओं की बरामदगी की गई है, और प्रमुख रूप से इन मामलों पे जो है पारिवारिक जो विवाद है, पारिवारिक जो कलह है, वो एक प्रमुख कारण सामने में आया है। जगदलपुर पुलिस ने इन दिनों अपराधियों और संदिग्धों पर बड़ी नजर रखते हुए लगातार कार्रवाइयां कर रही है। वहीं इस अभियान में थाना सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने महारानी वार्ड में हुई चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मुखबिर की सूचना पर आरोपी से चोरी का सामान खरीदने वाली दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जगदलपुर के महारानी वार्ड में एक चोरी हुई थी, जिसमें गैस सिलेंडर, चांदी के जेवर और 25,000 रुपए के सामान की चोरी का मामला थाने में दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर चोर की तलाश शुरू की और 24 से 48 घंटे के अंदर आरोपी अनिल नांग को धर दबोचा गया। साथ ही चोरी का सामान खरीदने वाली दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से एक गैस सिलेंडर, चांदी के जेवर और 25,500 रुपए का सामान भी बरामद किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर महारानी वार्ड में हुए चोरी के आरोपी अनिल नाग पिता बुधनाथ नाग 20 वर्ष निवासी महारानी वार्ड को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक गैस सिलेंडर, चांदी के जेवर, कुल 25,500 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इस आरोपी के अतिरिक्त आरोपी अनिल नाग से चोरी का सामान खरीदने वाली दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में तीनों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। जांजगीर जिले में इन दिनों लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। खास बात यह है कि लुटेरे बुजुर्ग और महिलाओं को ज्यादातर अपना शिकार बना रहे हैं। एक ऐसा ही मामला चांपा में सामने आया है, जहां बैंक से रकम निकालकर घर लौट रहे एक बुजुर्ग को अपने पैसों से हाथ धोना पड़ा। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है। उसने बताया कि लूटपाट तब हुई जब वह अपने एक परिचित के साथ बाइक पर सवार होकर घर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान डभरा के छुहीपाली पेट्रोल पंप के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने करीब 49,000 की लूटपाट की है। बहरहाल पुलिस ने शिकायत के बाद नाकेबंदी तेज कर दी है। और बैंक ले पैसा निकालें और जो होटल आए राजू होटल में खाए हैं और वापस घर जात रहे हैं। एक आदमी 20,000 पैसा ला ना लूट के रेंगते या फटफटी कुदान नहीं भेंटे। आने में गौराहा निषाद कटेकोनी का रहने वाला है। आज को ऑपरेटिव बैंक डबरा पैसा निकालने आया था। पैसा निकाल कर और इन लोग वापस अपने गांव कटेकोनी जा रहे थे, तो मेन रोड छुईपाली के पास एक व्यक्ति आया मोटरसाइकिल से और इनका झोला छीन कर लूट कर और भाग गया। उसमें अभी जाँच चल रही है। मुगेली तखतपुर इलाके में एक सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई।
पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो तेज रफ्तार से अलग अलग दिशा से आ रही दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक शख्स को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि दूसरे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा जरहा गांव क्षेत्र के बिरला की है। रायगढ़ के केलो नदी में डूबने से एक 13 साल के बच्चे की जल समाधि हो गई। यह हादसा केलो नदी के पचधारी स्टाप डैम की है। जानकारी के मुताबिक इंदिरानगर का रहने वाला झा परिवार अपने बच्चों के साथ डैम पर नहाने पहुंचा हुआ था। इसी दौरान उनकी 13 साल की बेटी प्रियंका अनजाने में गहराई की तरफ चली गई, जबकि दो और बच्चे भी गहराई के आगोश में समाने लगे। हालांकि दोनों बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन प्रियंका की मौत हो गई। गोताखोरों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रियंका के शव को बाहर निकालने में कामयाबी पाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार। मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं INN24।